आईडी हैक हो गया और उनका सारा पैसा ही हैक था। वो उस पे एक नंबर पे दो आदमी थे, एक हम थे। एक नंबर पे दो आदमी जी, एक हम थे और एक था कि हम भी कभी मतलब करोड़ों का विनिंग कर सकते हैं। जी किस वाला मैच था? वुमेन वाला था ना, 62-50 मिला सरकार की तरफ से, उसमें कप किया। मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और आज हम फिर से एक बार करोड़पति के पास आ चुके हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जो जो करोड़पति बनते हैं या लखपति जो बनते हैं, मैं उनके पास हमेशा जाता रहता हूँ और आप सभी के लिए उनसे इंटरव्यू लेता हूँ और आपके लिए ही वीडियो लाता हूँ। और आप देख सकते हो कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि देखने से तो बहुत गरीब लग रहे हैं, और आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा कमेंट आता था कि जो करोड़पति बनते हैं उनके चेहरे पर स्माइल क्यों नहीं होता है। लग रहा है ऐसा कि आज इनके चेहरे पर स्माइल नहीं है। और ये कितना जीते हैं और नहीं जीते हैं और किस टीम में जीते हैं, कौन सा टीम लगाए थे, आज मैं इनसे ही बातें करूंगा। और मैं अभी मधुबनी ज़िले में हूं और ये मधुबनी ज़िले के रहने वाले हैं। और इन्होंने कब जीता था, पहले सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम सरोज चौधरी हुआ। सरोज चौधरी जी, आप पैसे जीते हैं जी? कितने का प्राइज था? जी मेरा टीम था एक करोड़ वाला था या उससे कम था? एक करोड़ वाला था। वो उस पर एक नंबर पर दो आदमी थे, एक हम थे। एक नंबर पर दो आदमी जी, एक हम थे और एक कोई और था दूसरा। मुझे उसमें 62-50 मिला सरकार की तरफ से, उसमें कट के आया 43 लाख। मतलब दोनों को 62-50 मिला होगा, उसमें से दोनों को 43 लाख मतलब जीएसटी काट के मिला होगा। जी जी। अच्छा किस डेट को लगाए थे आप? मैं अगले मंगलवार को, डेट तो याद नहीं है, मंगलवार। पिछले मंगलवार को जी। मतलब किसके किसके बीच मैच था? दिल्ली और यूपी था, वो औरत वाला मैच था, वुमेन वाला था ना जी। तो आप देख सकते हो इन्होंने वुमेन वाला जो मैच होता है वो दिल्ली और किनके बीच बताया था? यूपी। दिल्ली और यूपी के बीच मैच था मंगलवार को, उनमें इन्होंने मैच लगाया था। एक टीम लगाया था या ज्यादा लगाया? दो टीम लगाए थे। दो टीम लगाया था जी। दूसरा टीम का क्या हुआ? दूसरा टीम में नहीं आया। दो टीम लगाया था इन्होंने और पहले टीम में इन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता। मतलब उस दिन 1 करोड़ रुपये दो आदमी जीते थे, मतलब एक नंबर पे दो आदमी थे, दोनों एक नंबर पे रैंक कर रहे थे जिसके कारण दोनों को पैसा कम मिला। हालांकि 1 करोड़ जो जीतता है उनको 70 लाख रुपया मिलता है 30% टैक्स काट के, जबकि इनको मिला 62 लाख ना, 62 लाख टैक्स काट के 43 लाख 80 हज़ार। 43 लाख और 62 लाख मिला था दोनों को और इनको टैक्स काट के 43 लाख कुछ रुपये मिला है। और ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं टोपी का काम करता था दिल्ली में। टोपी के काम जी दिल्ली में जी, कटिंग। अभी कहाँ हैं? अभी तो घर पे है। घर कहाँ है आपका? मधुबनी। मधुबनी जिला है, मलमल गाँव है। मधुबनी जिला है, मलमल गाँव है जी। अच्छा ये दुकान आप ही कहाँ है? जी मेरा ही है। अच्छा दिल्ली में कब से रह रहे थे आप? मुझे लमसम 14 साल हो गया है। 14 साल से दिल्ली में रह रहे जी। अच्छा ये जो टीम लगाए थे यहाँ आके टीम लगाए थे या दिल्ली में टीम लगाए थे? जी दिल्ली में लगाए थे। दिल्ली में लगाए थे जी। जीतने के बाद यहाँ आ गए जी। अच्छा कैसा लगा था जिस वक्त जीता था? कैसा लगा था? वैसे ही थे जैसे पहले थे, वैसे ही थे। अच्छा, विश्वास हुआ था कि हम भी कभी मतलब करोड़ों का विनिंग कर सकते हैं? जी विश्वास ही था, तब तो लगा रहे थे जी। अच्छा जिस वक्त आपके पास मतलब आईडी में शो किया था 62 लाख रुपया, उस वक्त कैसा लग रहा था? लग रहा था कि ये फ्रॉड है या फिर ऐसे ही दिखा रहा है? जी मुझे लग रहा था ऐसा कहीं फ्रॉड व्रॉड होगा, मैं पहले करके देखा जो आ रहा है अमाउंट की, मतलब नहीं विश्वास नहीं हो रहा था कि अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा। जी मैं 5,000 पहले करके देखा तो आ गया था, तब विश्वास हुआ। अच्छा जब जैसे ही आपका रैंक वन आया फिर कितने दिन बाद घर आया? एक दिन बाद। एक ही दिन बाद आ गए जी। फ्लाइट से आए थे या ट्रेन से? ट्रेन से आए थे। ट्रेन से। एक बार मैं इंटरव्यू करने गया था एक विनर के पास, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता था, उनका 70 लाख रुपया मिलने वाला था और जिस वक्त जीता था वो कल होकर फ्लाइट पकड़ के आए थे, वो भी आपकी तरफ पूरे गरीब थे। वो घर आए फ्लाइट का टिकट मतलब कर्जे से फ्लाइट का टिकट कटवा के तब वो घर आए, और जब घर आए तो पता चला कि उनका आईडी हैक हो गया और उनका सारा पैसा ही हैक हो गया। तो ऐसा आपके साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं अभी मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा आप डेली टीम लगाते हैं? नहीं कभी कभी लगाता हूँ डेली जी। डेली टीम लगाने के लिए जिस दिन आप जीते हैं 43 लाख रुपया, मतलब 62 लाख आया था, 43 लाख आपको मिला कट छट के, तो उस दिन आपको टीम लगाने के लिए कोई बताया था या नहीं? नहीं मेरे अकाउंट में 49 रुपया था, मैं फर्स्ट टीम 49 रुपया अपने अकाउंट से लगाया और 100 रुपया मैं किसी से लिया था। अच्छा। जो डालो उसका दूसरा टीम लगाया था। 100 रुपया लेके लगाया था जी। जिसे लिया था वो उसका कुछ प्रतिक्रिया आया कि नहीं? वो कुछ बोला कि नहीं आपको? नहीं मेरे साथ ही रहता था, वो मेरे साथ ही काम करता है। वो कुछ बोला कि नहीं आप मेरे से पैसे लिए थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसा कुछ नहीं? नहीं। अच्छा आपके परिवार में कौन सा है? मेरे परिवार में भाई है, चाचा है, 3 चाचा है, ये सब है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, आप टोपी का काम करते थे दिल्ली में, यानी घर से बाहर हमेशा बिहार वाले बाहर ही जाते हैं कमाने के लिए, और ये भी बिहार के हैं और बिहार से बाहर ही रह के काम करते थे, लेकिन जब इनका लॉटरी लगा, यू लॉटरी नहीं इनका किस्मत को, इनका किस्मत था कि इन्होंने टीम लगाया ड्रीम इलेवन में और इन्होंने 43 लाख रुपया जीता टैक्स काट कर, और अब क्या करेंगे इन पैसों का? अब मेरे पास कुछ कर्जा था, मैं उसको सधाऊँगा, उसके बाद एक लड़का एक लड़की उसको पढ़ाऊँगा। अच्छे से पढ़ाएंगे जी?
क्योंकि आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर आया है। मतलब जो गरीब होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अपने बच्चे को कैसे पढ़ाए, वो पढ़ा नहीं पाते हैं, दिन रात मतलब बिहार से बाहर जाकर काम करते, लेकिन आपके पास बहुत अच्छा अवसर आया आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ाएंगे या नहीं? जी अच्छे से पढ़ाऊँगा। अच्छे से स्कूल में भर्ती करवाएंगे जी। ये दुकान आपका कब से है, यहाँ पे कौन चलाता है दुकान? पहले मेरा पापा चलाता, मम्मी पापा चलाता था, वो अब है नहीं इस दुनिया में। अच्छा, मतलब सिर्फ आप और आपके बच्चे और पत्नी? जी और है भाई सब, ये सब है। अच्छा, आपका वो टीम है, वो दिखा सकते हैं? जी अभी मैं उसको, मेरे पास उसका ये नहीं है। तो कहाँ है? कहाँ आपका फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन तो यही है, लेकिन मैं उसमें यही नहीं किया हूँ, ये सारा उड़ गया हुआ। उड़ गया है जी। तो फिर पैसे कैसे आएंगे अकाउंट में? पैसे तो विड्रॉल हो गया है टोटल जी, ये इसमें विड्रॉल में है, और जो टीम था ना, वो टीम दो चार दिन होता है तो हट जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वो तीन महीने तक रहता है। यूट्यूब चैनल आप सर्च करना, उस पर पब्लिक कुरान लिखना, ठीक है? पब्लिक कुरान जैसे आप लिखोगे, बहुत सारा ड्रीम इलेवन जो करोड़पति जीते हैं ना, उनका जो जितने जीते हैं ना करोड़ रुपया, उनका सारा टीम और कितना वॉलेट में पैसा आया था, वो सारा कुछ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तब आपको विश्वास होगा है ना कि सच में आता है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जो बोल रहे हैं कि तीन दिन में खत्म हो जाता है, वो खत्म नहीं होता था। मैं पहले भी जीता था 2500 दो बार, तो वो लमसम 7-8 दिन के बाद नहीं दिखा। ऐसा तो नहीं होता है। ओके, इन्होंने 62 लाख जीता था, जिनमें इनको टैक्स काट कर 43 लाख रुपया मिला, और ये रही उनका टीम। तो आप देख सकते हो नजदीक से कि ये उनका टीम है, वाइस कैप्टन इन्होंने बनाया था, टीम है ग्रोथ का, और कैप्टन है एक एफसी। तो आप देख सकते हो इस तरह से इन्होंने टीम को क्रिएट किया था, और यही वो टीम है जो कि करोड़पति बनाया है सरोज चौधरी जी को। तो दोस्तों, अभी हमने सरोज चौधरी जी से बात किया और इनका लाइव प्रूफ भी दिखाया कि विनिंग किया था इन्होंने 62 लाख का, और इनको 43 लाख मिला। हालांकि मैं इनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाया किसी कारण से, क्योंकि इनका आईडी में कुछ दिक्कत आ गया है, इस कारण से मैं नहीं दिखा पाया। हालांकि मैं इससे पहले जितने भी ड्रीम इलेवन विनर थे, उनका सारा वीडियो में मैंने सभी का लाइव प्रूफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाया है, लेकिन इनका नहीं दिखा पाया। और ये देख सकते हो कि ये सरोज चौधरी जी है, इनका एक छोटा सा दुकान है, ये दिल्ली में रहते हैं और ये दिल्ली में कमाते हैं, और ये घर पे एक छोटा सा दुकान। अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा विनर कहाँ के विन करते हैं। अगर आपको एड्रेस पता हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे अबाउट में जाके वहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, ईमेल पे आप उनका एड्रेस सेंड कर सकते हैं, फिर हम उन तक पहुँचेंगे और उनका इंटरव्यू लेकर आप तक पहुँचाएँगे। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।